हेलो फ्रेंड्स, अंजू किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू और टमाटर से बनने वाली बेहद आसान सी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना इतना इजी है कि इसे हमारे बच्चे भी बना सकते हैं। ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब बना के देखते हैं। कभी कभी हमारे पास बिल्कुल भी कुकिंग के लिए टाइम नहीं होता है। ऐसे टाइम में हम अक्सर ही सोचते हैं कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं। ऐसे सिचुएशन के लिए मैंने एक बहुत ही सरल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब्जी मिनटों में बनती है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने ये आलू चॉप करके रख लिया है और बिल्कुल धो के साफ़ कर लिया है और टमाटर काट लिया है और ये मसाले निकाल के रेडी कर लिया है। अब मैंने तेल को गरम कर लिया है। इसमें हम अजवाइन ऐड करेंगे। इसके साथ ही ब्लैक सीड्स ऐड करेंगे, जिसे हम ब्लैक जीरा भी बोलते हैं। और इस अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमने साफ करके रखा हुआ है। और इसके साथ ही हम टमाटर ऐड करेंगे। इसमें अब हम हल्दी ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे साथ में ही, और साथ में ही हम नमक ऐड करेंगे। और हम इसे चला लेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसे बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए। कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसमें कुकर का ढक्कन लगा के 2 मिनट तक पका लेंगे। अब हमारे कुकर में 2 सीटी लग चुकी है। अब हम गैस को बंद करते हैं। देखिए, हमारी ये सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे आप भी ट्राई करें। ये मिनटों में बनने वाली है, हमारे बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत ही अच्छी है। मैं अक्सर अपने बच्चों को देती हूँ। अब इसमें हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे और बस ये हमारी सब्जी रेडी है। अब ये हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल करके सर्व करेंगे इस तरीके से। हमारी ये सब्जी सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। इसे आप जरूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।